सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 11 अक्टूबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है आश्विन का, तिथि कृष्ण पक्ष की नवमी की तिथि है, रविवार का दिन है, नक्षत्र है पुष्य, योग है सिद्ध और करण है गर। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और आपका अपना नियंत्रण जो है क्रोध पर नहीं रहेगा, जिसके चलते परिवार में भी परिस्थितियां थोड़ी सी नियंत्रण के बाहर जा सकती हैं और साथ ही साथ आपका बनता काम कार्यक्षेत्र में आपके गुस्से की वजह से प्रभावित हो जाए, बिगड़ जाए, ऐसे योग दिखते हैं। तो अपने गुस्से को, आप क्रोध को नियंत्रित करें। शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ करना चाहिए और जल्दीबाजी में आकर के कोई भी काम करने से आप बचें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आय में कमी और व्यय में वृद्धि रहे, ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है। नाना प्रकार धन वाहन भूमि प्रदाय स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और यात्रा करने से आप बचें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में चिंता व मानसिक तनाव बढ़ जाए, कुछ ऐसी स्थिति आज जन्म ले सकती है। मनोवांछित फल प्रदाय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और गलत मित्रों की संगत से आज आपको दूर रहना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सामाजिक जीवन में गंभीर आरोप प्रत्यारोप लांछन आज आपके ऊपर लग सकते हैं। ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से आपको करना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी लंबी यात्रा का आमंत्रण आज आपको मिल सकता है, विदेश यात्रा की भी संभावना आपके लिए दिखती है। ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और जल्दीबाजी में कोई काम न करें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति आज जन्म ले सकती है। ओम बलभद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और बुरा सोचने से बचना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको शुभ समाचार प्राप्त होने से मन प्रफुल्लित रहेगा, हर्षित रहेगा, लेकिन धन खर्च बहुत ज़्यादा हो, ऐसे योग भी आपके लिए दिखते हैं। ओम श्री रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी को अपशब्द कहने से आप बचें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी पेशा लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, कार्यक्षेत्र में भागदौड़ और तनाव की स्थिति सिर पड़ जाए, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी की बुराई करने से आप बचें। धनुराशि, धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, कोई ट्रिप परिवार के साथ आप प्लान कर सकते हैं भविष्य के लिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और यात्रा करने से आप बचें। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए रोजी रोजगार कारोबार में विस्तार होने की संभावना दिखती है। ओम जगन्नाथाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और पारिवारिक जिम्मेदारी से मुख न मोड़ें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में हो रहे परिवर्तन लाभदायी होंगे, आपका कोई दोस्त आज आपसे मदद मांगने आ सकता है। ओम बद्री नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसे आप व्यर्थ में न गंवाएं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। ओम श्री दुर्गा देवी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, बड़ों का अनादर अपमान करने से आप बचें। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दरिद्रता और दुर्भाग्य को आप कैसे दूर करें और सौभाग्य बढ़ाने वाले घरेलू बहुत ही सरल, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली ये ऐसे उपाय हैं जो परंपरा से हमारे संस्कारों में, परिवारों में आगे चलते चले आए हैं। तो ये पारंपरिक उपाय हैं लेकिन बहुत सरल, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली इनका असर होता है। आइए जानते हैं क्या है ये टोटके। हर व्यक्ति धन कमाने का प्रयास करता है, कुछ व्यक्ति सफल होते हैं और कुछ सफल नहीं हो पाते। आज ऐसे ही सरल उपाय आपको बताने जा रहा हूं जिन्हें आजमाने से अवश्य ही किसी भी व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहला उपाय यह है कि भोजन करने से पहले गाय और कुत्ते के लिए आपको कुछ अंश अपने भोजन में से निकालना चाहिए। ये नियम बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि जो भी पहली रोटी बनती है वो गाय की और आखिरी रोटी जो होती है वो कुत्ते के लिए आपको ज़रूर निकालना चाहिए। अगर आप वो नहीं भी कर सकते हैं तो अपनी थाली में से एक एक कौर खाना जो है, सबसे पहला जो है वो गौग्रास जो होता है वो ज़रूर आपको निकालना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है।
प्रत्येक गुरुवार को तुलसी के पौधे में कच्चे दूध का अर्घ अर्पित करने से आर्थिक संपन्नता में लगातार वृद्धि होती रहती है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को घर में श्री सूक्त का पाठ करने से या श्री सूक्त का पाठ करके उसकी ऋचाओं से आहुति देने से यानी हवन करने से, यज्ञ करने से दरिद्रता दूर भाग जाती है। फिर ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं रह जाता। हिंदू महीने के आरंभ में शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को रात में कच्ची हल्दी की एक साबुत गांठ बांध करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें। अगले दिन उसे पीले धागे में बांध करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण कर लें। किसी भी तरीके का दुर्भाग्य होगा, अपयश की, दरिद्रता की स्थिति होगी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सुख, ऐश्वर्य और संपत्ति की प्राप्ति इस टोटके से जरूर होती है। शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रखें। अगले दिन उस तेल में उड़द की दाल के बड़े बना करके कुत्तों और गरीबों को खिलाने से दरिद्रता और गरीबी जो है वह पीछा छोड़ देती है और इस टोटके को करने से निश्चित तौर पर लक्ष्मी का आगमन होता है। गूलर की जड़ को कपड़े में लपेट करके चांदी के कवच में डाल करके गले में धारण करने से भी आर्थिक संपन्नता जातक को प्राप्त होती है। अपनी तिजोरी में 9 लक्ष्मी कारक कौड़ियां और एक तांबे का सिक्का रखने से आपकी जो तिजोरी है, जो धन रखने का स्थान है, वह सदैव जो है धन से, संपत्ति से भरा रहता है। नियमित रूप से केले के पेड़ में जल अर्पित करने और देसी घी का दीपक जलाने से दरिद्रता किसी भी जातक की वो दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये बहुत ही सरल टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं ये निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभववन। नमो नारायण। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997-24131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।